इंपॉर्टेंट जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें ताकि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। वेलकम फाइंडर्स, आप देख रहे हैं फाइंड फॉर जीके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे कम्प्लीट जरूर देखें। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसे वीडियोस और जानकारियां आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। और आप हमारे जीके के ऐप को भी डाउनलोड जरूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक अधिकार के हिसाब से सबसे बड़ा पद है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ योग्यता निर्धारित की गई है। इन योग्यताओं को पूरा करने के बाद ही कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने की योग्यता निम्नलिखित है। केवल भारतीय नागरिकता वाले व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कम से कम 25 वर्ष की उम्र का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकता है, अर्थात 25 साल या उससे अधिक की उम्र का कोई भी व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री बन सकता है। अधिकतम आयु भले ही निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ शर्तें जरूर है। प्रधानमंत्री बनने के लिए उस व्यक्ति का राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वह व्यक्ति इन दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है तो इस स्थिति में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के अंदर ही किसी एक सदन की सदस्यता लेना ही होगा। अगर वह इसमें असमर्थ होता है तो प्रधानमंत्री पद से उसे त्यागपत्र देना होगा। प्रधानमंत्री पद के लिए उस व्यक्ति का नाम भारत की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। यही कुछ चुनिंदा शर्तें हैं। अगर कोई व्यक्ति इन शर्तों पर खरा उतरता है तभी वह भारत के प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।